उनकी कैसे प्रकट हो गए? बोले मार्बल में प्रकट हो गए। उनकी अब चिंता की बात क्या है कि आप चलो, मैं गयो क्या है, दर्शन तो करें कौन से। तो सुना जी मतलब क्या को मार्बल में जो ग्रेन्स आवे ना, वहां में कुछ ग्रेन्स ऐसी होती कि वहां में नेत्र को एक शेप हतो, एक थोड़ा सा नाक को शेप हतो, होठ को शेप हतो नहीं, एक आंख हती नहीं। तो सुना जी कोई शुक्राचार्य थोड़ी है, पर उनने क्या कियो कि दूसरे यहां भौ बना दी। अब दूसरी जब भौ बना दी ग्रेन के अलावा एडिशनल और आंख बना दी, और फिर सुना जी की तरह कंठाभरण धरा दिया, तिलक धरा दिया, सब श्रृंगार कर दिया, तो मार्बल में तो सुना जी दर्शन होंगे ना। फिर तो मुझसे कही देखो सुना जी, हम इनकी एक काम करो ना, ये मार्बल को टुकड़ा को तोड़ के जमीन में सु सिंहासन पर पधरा लो। तो बोले कि अभी तो इतने प्रकट भय, फिर आगे प्रकट नहीं भय। तो मिनकी भाई सुना जी जब प्रकट होने ही चाह रहे हैं तो तुम काजल लगा के क्यों उनको रोक रहे हो, उनको अपने आप प्रकट होने दो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो वो जमीन पे ही, तो जमीन पे ही वहां पड़े रहे हो पाछे। सुना जी बेचारे, सुना जी के दुर्भाग्य देखो, पुष्टि मार्ग के हड़फेट में आने के बाद जीव की तो दुर्गति से हो वैसे तो वह पुरुषोत्तम की दुर्गति हो जाए। अपन ऐसे पुष्टि मार्ग है कि वो जमीन पर पधराए हुए सुना जी, खाने के डाइनिंग टेबल के वहां वहां सुना जी प्रकट हो गए। फिर लौट के जब मैं आ रहे हो तो यहाँ ये बिल्कुल यही सामने स्पॉट पे। उनने मुझसे पूछी कि आपको यहाँ में क्या अभिप्राय। मैंने कि भाई ऐसो मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़े हो तो वर्ल्ड मिरेकल की एक पुस्तक आई थी कि कोई कोई ठिकाने कोई कोई को मर्डर हो जाए ना तो उनकी प्रेतात्माएं वहां भीत में पत्थर में अपनो चित्र उभार हैं। तो तुम तलाश करियो कि या स्पॉट पे कोई बच्चा को मर्डर तो नहीं हो गया कि ये भूत प्रेत को आकर आकर नहीं 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 बस 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 ने बात ही टॉपिक बंद कर दी, क्योंकि उनको गांव को इकट्ठा करना था कि सुना जी प्रकट हो गए मार्बल में। अब भाखरी में प्रकट हो रहे हैं, मार्बल में प्रकट हो रहे हैं, कभी संडास में प्रकट हो रहे हैं, भाई सुना जी को कोई धंधा है कि नहीं, ऐसी ऐसी जगह प्रकट हो रहे हैं। क्या बना दियो, क्या माहौल बना दिया अपने आराध्य देव को, अपन ने कभी सोचो? अपन ने सोचा नहीं यह बात के लिए, क्योंकि अपन पुष्टि भक्ति नहीं करना चाह रहे हैं, अपन ये सब खिलवाड़ करना चाह रहे हैं भगवान के साथ। वाक्य कारण ये सब उपद्रव हैं। महाप्रभु जी इन उपद्रवन की कल्पना नहीं कर सके करके महाप्रभु जी ने स्पष्टतया ये बात समझाई कि घर को कृष्ण के लिए वापरो, घर को अपने को कृष्ण के लिए वापरना नहीं है। मुख्य मुद्दा को जो नड़ जाए है ना बात, कि घर को कृष्ण के लिए नहीं वापरना है, कृष्ण को चाहो तो घर के लिए वापर लेंगे। अपनी कार को जैसे कहीं वो क्या हुए उठाने को जैक, हाँ शशिनाथ जी को अपन जैक के तरह वापरना चाहें कि कार जब टीला पे चढ़ जाए तो जैक बन के आप प्रभुता जो। अब एक तो कोई स्तुति नहीं है, नहीं तो घट घट में विराजता हमारा जैक जी मारी मोटर उतारो जी भी गाने लग जाए। भरोसा क्या या पुष्टि भक्ति को क्या भरोसा है कि घटमा बिराजता श्रीनाथ जी श्री महाप्रभु जी मारा जैक जी मारी मोटर उतारो जी। क्यों तो वारी रे वारी, अरे वार रे कैसी वारी। क्या समझ ली कोई मोटर मैकेनिक है क्या आखिर। ये सब उधम अपन कर रहे बेचारे श्रीनाथ जी के साथ, महाप्रभु जी के साथ, जमुना जी के साथ। ऐसा पुष्टि मार्ग नहीं है, ऐसा पुष्टि मार्ग हो नहीं सके। बात ध्यान समझे, महाप्रभु जी की क्लियर कट धारणा यह है कि कृष्णार्थे तत्प्रयुञ्जीतः कृष्णो नर्थस्य मोचकः। जब तुमने अपने घर को कृष्ण के लिए वापरना शुरू किया, तुम्हारे घर में जो भी कुछ रॉ कैरेक्टर है संसार होने को, वो सारो रिफाइंड होके और वो एक नंदालय बन जाएगो। वैष्णवन के मन में भ्रमणा हो गई कि नंदालय बालकन की हवेली होवे, ऐसा कहीं नहीं है। जहां नंदात्मज बिराजे है वो नंदालय ही है, वो चाहे वैष्णव को घर होए, चाहे कोई गरीब की झोपड़ी होए, चाहे ऐसो कोई मने घरहीन व्यक्ति के पीठ पे बंधी भई झांपी होए, वो झांपी में बिराज रहे ना। कभी दार्जिलिंग जाओ तो देखिये बड़ा मजा आवे, कभी दार्जिलिंग जाओ तो देखिये वहां औरतें अपने पीठ पे अपने बच्चा को बांध के पहाड़ चढ़ती हुए, बहुत देखने में अच्छा लगे अपने को। बच्चा है उनके पीठ पे ऐसे मजेदार बैठे हुए हैं, मस्ती लेते भय, और उनकी पीठ पे वो बंधे हुए हैं बच्चा है, वो पहाड़े चढ़ती हुए आती। तो ऐसे कोई पुष्टि भक्त अपने ठाकुर जी की झांपी अपने पीठ पे भी बांध रखते हो ना, तो पीठ भी नंदालय है। ये बात ध्यान से समझो, वो पीठ जो है वो हाड़ मांस की पीठ नहीं है, वो पीठ वो है जा पीठ में नंदा मज जो है वो विहार कर रहे हो, मजा ले रहे हो कि यार क्या जा क्या दार्जिलिंग को आनंद है यहाँ। ये बात तुमको समझनी चाहिए। तो ऐसी कोई मोहताज नहीं है नंदात्मज इन सब बातों को कि बालक की हवेली हो तो ही वो नंदालय बने, ऐसा नहीं। जहां नंदात्मज बिराजे है वो नंदालय है, पर शर्त यह है कि तुम अपनी पीठ को नंदात्मज के लिए वापरो। तुम रेकड़ी लाके और वहां पे झांपी पधराओगे ठेला की तरह,
जैसे अपन वो ठेला में सामान चलावे कि नहीं, तो फिर वो नंदा लो जाएगा, तुम नंदा लेनी बन पाओगे, तुम्हारी पीठ नंदा लेनी बनेगी, तुम्हारो हाथ नंदा लेनी बनेगा, तुम्हारे को घर नहीं है या में कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर होनो हाथ तुम्हारा चाहिए, होनो पीठ तुम्हारी चाहिए। और श्री महाप्रभु जी तो यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में झांपी नहीं हो, तुम्हारे पीठ पे झांपी नहीं हो, तुम्हारे पास ठाकुर जी नहीं बिराज तो हो, पर तुम प्रभु की लीला को श्रवण करो, तुम प्रभु की लीला को कथन करो, तुम प्रभु की लीला को स्मरण करो, अपने घर में बैठ के शांति सो, तो तुम्हारा हृदय जो है वो नंदालय बन जाएगा। ये बात ध्यान से समझो। गोकुल काश्मीर के जैसे अपने परमानंद दास भय, ऐसे काश्मीर में एक बहुत अच्छे कृष्ण भक्त भय, उनको भी नाम परमानंद जी हो, तो उनने ये बात कही है कि गोकुल मोर हृदय तति चोरी गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो, ये हृदय मेरो गोकुल है और या गोकुल में बसती वही मेरी जितनी इच्छाएं हैं वो भगवान तेरी गाय हैं और इन गायों को तू चरा, तो कुछ जहां चरा नो इनको तू चरा, ऐसे वो परमानंद कहे काश्मीर को परमानंद जो कि गोकुल म्योन हृदय तति चोरी गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो, तू मेरे इन हृदय में रही भाई सारी इच्छा को अपनी गाय मान और तू इनको जहां चरा नो वहां चरा के ले जा, तू जहां चराएगा बस वहां मेरी गाय प्रसन्न रहेंगी। तो अपनो गोकुल अपनो हृदय भी गोकुल हो सके है करके महाप्रभु जी ने कही, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। महाप्रभु जी ने कही के नमामि गोस्वामी हवेल्याम सेव्यमानम कलानिधिम। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कही है, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम। अपन ने व्यर्थ में ऐसे समझ लिया कि गोस्वामी की हवेली में ही नंदालय हो, कौन ने कही, कहां लिखो है, लिखो कहां है ये बात, दिखाओ तो सही, कछु तो बोलो कि अबोले ही रहोगे लाल, कुछ तो बोल के बताओ यार, कहां लिखो क्या है ये बात, कौन से वचन में है महाप्रभु जी के, वो तो बोलनी है नहीं, फिर कैसे समझ में आएगी। जो महाप्रभु जी ने कही है वासु अपने को पुष्टि मार्ग समझना पड़ेगा। करके बाद ध्यान से समझो कि कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य वास मोचक। कृष्ण घर ग्रहाशक्ति के कारण, घर में रहने की प्रणाली के कारण होंगे ज्ञानी लोग निंदा करते, होंगे कुछ ज्ञानी लोग ऐसे सोचते, कुछ विरक्ति लोग ऐसे सोचे कि परिग्रह जो है वो बस हिंसा है। एक बात समझो, एक सूत्र है, वह सूत्र में ऐसे कहे है कि हिंसा को मतलब क्या कि परिग्रह, कोई चीज तुमने परिग्रह कियो और तुमने हिंसा को उपक्रम शुरू कियो। मैं या सिद्धांत सूत्र की आलोचना नहीं कर रहे हूं, क्यों कि या सिद्धांत सूत्र की हकीकत या सिद्धांत सूत्र की वास्तविकता साधक क्या बनना चाह रहे है या पे निर्भर कर रहे हैं। जो लोग ये कहें कि परिग्रह बराबर हिंसा है और अपरिग्रह ही अहिंसा है, बात ध्यान से समझो कि परिग्रह हिंसा है तो वाके पहले तुमको अपनो एम और ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा कि तुम कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हो तो परिग्रह हिंसा है, दूसरे की तो बाद में, पहले तेरी खुद की हिंसा है, तेने कुछ परिग्रह की हो, क्यों कि तू चाह क्या रहे है, कैवल्य प्राप्त करना, तो कैवल्य प्राप्त करना हो तब तो परिग्रह हिंसा हो सके। अपने यहां कैवल्य ही नहीं प्राप्त करना, क्योंकि कैवल्य तो अपने यहां रॉ मटेरियल है प्रभु को, जामे से ये सारो लीला को विस्तार भयो है, जामे एक अनेक भयो है, एको हम बहुश्याम भयो है, स एकाकी सवई नैवरे में तस्माद एकाकी नरमते स द्वितीय में इच्छत। प्रभु ने एकाकी अपनो कैवल्य नहीं चाहे तो करके तो लीला सृष्टि प्रकट भई, लीला सृष्टि प्रकट भई करके अपन प्रकट भय, और अपन प्रकट भय अपन पाछो कैवल्य चाहते होंगे तो परिग्रह हिंसा है, पर अपन यदि कैवल्य नहीं चाह रहे हैं, अपन ठाकुर जी को सहयोग चाह रहे हैं, अपन ठाकुर जी को अपने नंद नंदन कर घर को ठाकुर आप होए रहे चेरो या मैं कहा घटेगो तेरो ये बात चाह रहे हैं, तो अपन कैवल्य नहीं चाह रहे हैं, तो परिग्रह अपने यहां अहिंसा नहीं है, अपने यहां परिग्रह ही भक्ति है, क्योंकि त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। गोपी जनन ने कही है कि हमने प्राणन को परिग्रह किया है, क्यों कि प्राण के परिग्रह करने से हमको ऐसी आशा है कि तू हमको मिल जाएगा।
जा दिन हमको ये बात समझ में आई कि इन प्राण के परिग्रह के बावजूद तू हमको नहीं मिल रहे हो, वादिन हम प्राण को त्याग करेंगे, वादिन हम ये सोचेंगे कि परिग्रह जो है वो हिंसा है, परिग्रह हमारी अस्मिता को खत्म कर रही है। पर जब तक हमको ये आशा है कि ये प्राण के रहते तू हमको मिलेगा, हम क्यों प्राण छोड़ें? महाप्रभु जी कहें क्यों घर छोड़ें, क्यों देह छोड़ें, क्यों परिवार छोड़ें, क्यों अपने संप्रदाय को छोड़ें? अपन कोई को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाबा आपसे अब मुखातिब हो रहे हूं फिर से कि अपन छोड़ेंगे नहीं कोई को, सब अपने हैं, क्यों छोड़ें? पर जो गिलिंडरी कर रहे हैं उनकी गिलिंडरी को नहीं सहन करेंगे, बात आई ना ख्याल में? उनकी गिलिंडरी नहीं सहन करेंगे, हमको छोड़ नहीं रहे हैं। या को मतलब जैसे अपन अपने माँ बाप को नहीं छोड़े, अपन अपने बच्चा को नहीं छोड़े, अपने घर में उधई लग गई हो तो अपन घर को थोड़ी छोड़े, उधई को खत्म करें ना। अपने घर में दीमक लग गई तो अपन क्या खत्म करेंगे, घर खत्म करेंगे कि दीमक खत्म करेंगे? दीमक खत्म करेंगे, घर खत्म नहीं करेंगे। घर को क्यों छोड़े जब घर में हम रह रहे हैं? तो दीमक लग गई तो आपको खत्म करेंगे। ऐसे अपनों कोई भी संप्रदाय को है, चाहे वो बापा हो, चाहे बापी हो, चाहे पुरुषोत्तम हो सो कॉल्ड, अथवा कोई भाई हो, बहन हो, शास्त्री हो, कथकड़, वो सब अपने हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। पर उनको छोड़ेंगे नहीं या का मतलब ये नहीं कि उनकी पुष्टिमार्ग विरोधी हरकत को सहन करेंगे। उनकी पुष्टिमार्ग विरोधी हरकत को अपन को लाइन लाइट में लाके और एक्सपोज करनी ही चाहिए कि ये गलत बात है, ये पुष्टिमार्ग के तहत नहीं हो सके। तुमको करनी हो तुम आनंद से करो गैर पुष्टिमार्ग के रूप में, तुम्हारी प्राइवेट अफेयर के रूप में। पर पुष्टिमार्ग के रूप में ये काम आप कर रहे हो तो हम रोक तो नहीं सके। एट द सेम टाइम हम या में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम या को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम या को मॉरल सपोर्ट नहीं देंगे, हम या को एक्टिव सपोर्ट नहीं देंगे। इतना नॉन कोऑपरेशन तो अपनों करना ही चाहिए। यदि अपन नहीं कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन इन प्रक्रियांशु, मतलब कि अपने हृदय में भी कोई चोर छुपे भयो है, कोई चोर अपने हृदय में छुपे भयो है। जब अपन कोई शय में कोई शर्म में आके ऐसी बातन को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बातन को कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अपने दिल में भी पुष्टि मार्ग विरोधी भावना को कोई चोर छुपे भयो है। हर जगह विरोध करने की, हर जगह मगनलाल शास्त्री बनने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण कृष्ण कृष्णा श्रेणो कब को वाँचियो के नहीं वाँचियो, क्या जरूरत है? क्योंकि सामने पूछ दियो तुमको कि तुमने पढ़े हो तो पाछी फेंफे हो जाएगी, पढ़े हो तो है नहीं तुमको सामने पूछ दियो तो फेंफे हो जाएगी क्योंकि तुमने भी नहीं पढ़े हो। उभावप्य श्रुत ग्रंथ उभावप्य जड़ात्मक अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है। दोनों मूर्ख है, दोनों अनपढ़ है, पर ये चमत्कार देखो भगवान को कैसे है कि एक गुरु है और एक चेला है ये गजब का श्लोक है कि उभावप्य श्रुत ग्रंथ उभावप्य जड़ात्मक अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। वो पूछे तुम कौन हो? बोले हम उनके शिष्य है। तुम कौन हो? बोले हम इन सबके गुरु है। तुमने भी नहीं पढ़े, वाने भी नहीं पढ़े, तुमने पढ़ाए नहीं, वाने पढ़े नहीं, गुरु कैसे हो गए? अरे हम जन्मते ही हरि आनंद भयो, जन्मे तब गुरु के रूप में जन्मे, वो जन्मे से चेला के रूप में जन्मे या लीला का तो अपरंपार है ना कि जन्मते ही हरि आनंद भयो, जन्मे सो ही गुरु के रूप में जन्मे। ऐसे कैसे जन्मे यार? कौन सी प्रक्रिया थी? आकाश में से टपके कि नारियल की तरह पेड़ पे से टपके? कैसे टपके थे तुम? ऐसे जन्मते ही गुरु कैसे बन गए? जन्मते कोई गुरु नहीं बने। गुशब्द अंधकार ऋषब्द स्तन निवर्तन है, अंधकार को निवर्तन करे तो गुरु है। अंधकार में खुद बैठे हुए हो, अंधकार में दूसरे को और घसीट के कह रहे हो कि तू भी आके यहाँ बैठ जा, और कह रहे हैं कि हम गुरु हैं। उभावप्य श्रुत ग्रंथ उभावप्य जड़ात्मक अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। वो पाछे दीन भाव से माने कि हमारे गुरु जी पधारे, पधराव नहीं करो, केशर स्नान करो, आज मारे आनंद नहीं हेली रे सुहागण मारा। तेरी पाछी हद हो गई, ऐसी कैसी आनंद की हेली आ गई ये क्या चक्कर है? कुछ समझ ही नहीं आया सचमुच में। अजब महात्म्य है ये, अपने पुष्टि मार्ग को जाकर कोई आगा पीछा समझ नहीं आवे। तो ये बात ध्यान से समझो तुम के महाप्रभु जी वो बात नहीं कह रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्णार्थे तत् प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचक। या तरह की प्रक्रिया में जो भी अनर्थ होंगे वो सारे मोचक प्रभु होंगे। दूसरे श्लोक में मैं समझू, दूसरा श्लोक अपन कल करेंगे, थोड़ा अपन इंटरवल यहां कर लें और वाके बाद जाकू जो प्रश्न पूछना हो पूछे पूछ सको भाई, माइक दीजिए।